Hello, my dear sweet children. Today we are going to read a very interesting story. Chapter number 4, Toto the Monkey. Now, Toto is the name of a monkey. Now, this story is written by this Ruskin Bond. Ruskin Bond जो है वो बच्चों के लिए बहुत फेमस स्टोरीज लिखी हैं उन्होंने, जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं उनकी स्टोरीज. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. आई एम गोइंग टू समराइज द स्टोरी. सो दिस इज़ द ग्रैंडफादर एंड दिस इज़ द नरेटर जिन्होंने ये स्टोरी लिखी, रस्किन बॉन्ड. ओके, नाउ द नरेटर्स फादर ग्रैंडफादर was very fond of animals. जो narrator, जो speaker जिन्होंने story लिखी, उनके जो grandfather थे वो animals के बहुत शौकीन थे और उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा zoo बना रखा था, a small zoo. Okay, जहाँ पर बहुत सारे animals रहते थे. Now he had a nice collection of animals such as tortoise. उनके इस छोटे से जू में कौन कौन से एनिमल्स थे? टॉर्टोइज, स्क्विरल, अ पेयर ऑफ रैबिट्स एंड अ गोट. बट ही डिडंट हैव अ मंकी. लेकिन उनके पास जो था वो मंकी नहीं था. सो वन डे व्हाट हैपन्ड, ही बॉट अ बेबी मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर. टोंगा ड्राइवर से उन्होंने एक बेबी मंकी को खरीद लिया एंड नेम्ड इट टोटो. 5 रुपीज़ में उन्होंने टोंगा ड्राइवर से एक बेबी मंकी को खरीद लिया और उसका नाम क्या रखा? टोटो. टोटोज अराइवल नॉट ओनली ग्लैडन्ड हिम बट ऑल्सो एनरिच्ड हिज प्राइवेट जू. और टोटो जब उस उनके घर में आया तो उनके जू का एक और मेंबर जो है वो बढ़ गया और वो बहुत ज़्यादा खुश थे. नाउ टोटो वॉज एन अट्रैक्टिव मंकी विद स्पार्कलिंग आइज. उसकी जो आइज थी टोटो की वो बहुत स्पार्कलिंग थी, चमकती हुई आँखें थी एंड पर्ल वाइट टीथ. ही वुड टेक स्पेशल डिलाइट इन स्केयरिंग एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. नाउ हिज टेल एडेड टू हिज गुड लुक. और जो उसकी जो टेल थी वो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी. एंड ऑल्सो सर्वड एज अ थर्ड हैंड. और एक थर्ड हैंड की तरह उस काम कर रही थी उसकी टेल. नाउ सिंस ग्रैंडमदर डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन एनिमल्स. और जो ग्रैंडमदर थी उनको किसी एनिमल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था. सो शी नेवर वेलकम ग्रैंडफादर विद अ न्यू बर्ड और एनिमल इन द हाउस. तो ग्रैंडफादर जब भी अपने जू में, अपने प्राइवेट जू में कोई भी न्यू एनिमल या बर्ड को लेकर आते थे तो वो उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी. Now Toto was temporarily kept in a little closet opening into the narrator's bedroom. और Toto को जो है जो narrator जो उस time Ruskin Bond बच्चे थे तो उनके bedroom में रखा गया, where he was tied securely to a peg. एक खूंटी में उनको कस के बांध दिया गया. into the wall, being mischievous by nature. क्योंकि जो टोटो जो था वो बहुत नेचर से ही बहुत ज़्यादा शैतान था. टोटो बिगेन टू क्रिएट न्यूजियंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. और पहले दिन से ही उसने शैतानियाँ शुरू कर दी. ही रिमूव द ऑर्नामेंटल वॉल पेपर. जो दीवार पर जो ऑर्नामेंटल वॉल पेपर लगा रखे थे उसने उनको रिमूव कर दिया. एंड पुल्ड आउट पैग एंड टोर ऑफ नरेटर्स ब्लेजर. उसने वो उस पैग को, उस खूंटी को खींच दिया और उस नरेटर का जो ब्लेजर था उसको फाड़ दिया. टोर मतलब फाड़ देना. एंड ग्रैंडफादर वॉज क्वाइट हैप्पी टू सी टोटोज परफॉर्मेंस. और ग्रैंडफादर जो थे वो उसकी टोटो की ये सब चीज़ें देखकर, शैतानियाँ देखकर बहुत खुश हो रहे थे. और टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज. अब टोटो को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया? एक बड़े से केज में. अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर एनिमल्स लिव टुगेदर. जहाँ पर सारे एनिमल्स एक साथ रहते थे. बट टोटो वुड क्रिएट ट्रबल्स फॉर देम. ही डिड नॉट लेट देम स्लीप पीसफुली. हिज
टोटो जो था वहाँ पे भी वो शैतानियाँ करने लगा और उनको शांति से नहीं रहने देता था उन एनिमल्स को. सो व्हेन ग्रैंडफादर हैड टू गो सहारनपुर, तो जो टोटो की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत शैतानियाँ जो है वो बढ़ती जा रही थी. एक दिन ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था, तो उन्होंने अपनी पेंशन लेने तो ही कैरी टोटो विद हिम, तो उन्होंने टोटो को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया. इन अ बिग ब्लैक कैनवास, एक बिग बड़ा सा कैनवास का किटकैट बैग था उसके अंदर. सिंस देयर वाज नो ओपनिंग इन द बैग टू अलाउ हिज हैंड्स और फेस टू कम आउट, ही वुड ऑफन जंप इनसाइड द बैग, मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर ऑफ द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. और वो बैग जो है उतना टाइट था कि वो टोटो जो है उसमें से अपने हाथ पैर बाहर नहीं निकाल सकता था. ऑन रीचिंग सहारनपुर, टोटो वॉज कॉट बाय द टिकट कलेक्टर. और जैसे ही सहारनपुर वो लोग पहुँचे तो टोटो को टिकट कलेक्टर ने पकड़ लिया. सो स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो. ओके.